आंखें इसकी सूरत नहीं कर सकती। तुमने फोन उठाया, किधर हो? मैं कब से फोन कर रही हूँ? मैं शादी, तुम्हें बता दी मैं कितनी मुश्किल में हूँ। और दूल्हा कोई और है। डी फॉर दानिश भाई, एम फॉर मानूर। दिल में कोई और है। बस कर दो वानिया, हर चीज मजाक नहीं होती है। जिस तरह महानूर की शादी के दिन नज़दीक आते हैं, महानूर बहुत परेशान होती है। आलियान भी पाकिस्तान वापस नहीं आता, इस वजह से महानूर को बहुत परेशानी होती है कि अब मेरा क्या बनेगा। ना ही आलियान ने इसे तलाक दी है। महानूर के मेहंदी वाले दिन महानूर आलियान को बार बार कॉल करती है, लेकिन आलियान फ़ोन नहीं उठाता। महानूर बहुत परेशान होती है। जब अचानक से महानूर की कॉल लग जाती है तो वो आलियान से कहती है, आलियान मैं तुम्हें कब से कॉलिंग कर रही हूँ लेकिन तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर कितनी मुश्किल में हूँ। जवाब में आलियान कहता है, तुम्हें मेरी मजबूरी का अंदाज़ा नहीं कि मेरी मामा की तबीयत कितनी ख़राब है, मैं उन्हें छोड़कर किस तरह आ सकता हूँ। महानूर की जब मेहंदी की रस्म हो रही होती है तो वानिया कहती है कि महानूर के हाथ पर मेहंदी से भाई दानिश का नाम लिखते हैं, डी फॉर दानिश और एम फॉर महानूर। ये सुनकर महानूर को बहुत गुस्सा आता है। वो वानिया से कहती है, क्या तुम हर वक्त मजाक करती रहती हो? हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। ये सुनकर हानिया की सास कहती है, दिल में कोई और है और दूल्हा कोई और। ये सुनकर हानिया बहुत परेशान होती है कि इन्हें किसी बात का पता तो नहीं चल गया।